आज होने वाली है सबसे पावरफुल सिस्टम की अनबॉक्सिंग। अगर आपका बजट 10,000 है या 11,000 है तो आपके लिए ये सिस्टम बहुत बेस्ट रहेगा अगर आप लोग बेस लवर हैं। सो सबसे पहले हम सिनेमैटिक को एंजॉय करते हैं एंड फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सिनेमैटिक को एंजॉय करिए। Did you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? All the choices you made, did you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? Again, 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 हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत खास है एंड आज हम करने जा रहे हैं जेब्रोनिक स्टर्नेडो 4BTRUCF की अनबॉक्सिंग। जैसा कि हमने इस वीक पे एक पोल क्रिएट किया था एंड हमने आपसे पूछा कि बताइए 6000X को कौन सा सिस्टम टक्कर देने वाला है, कौन से ब्रांड का सिस्टम टक्कर देने वाला है। सो आप में से बहुत लोगों ने बोला कि यार सोनी का सिस्टम है, बट सोनी का नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि सोनी के जितने भी पावरफुल सिस्टम आते हैं वो सब 20,000 से ऊपर के होते हैं। सो सोनी का तो नहीं था, ये है जेब्रोनिक्स ब्रांड का। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यार 6000X को टक्कर दे सकता है। फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, मतलब जो इसका बेस है ना वो बहुत ही तगड़ा है एंड जो साउंड क्वालिटी है ना इसकी वो बहुत तगड़ी है। अगर आप लोग मतलब स्पेशली बेस लवर हैं तो आप लोगों के लिए ये सिस्टम बना है। अब जैसे कि आपको भी पता है लॉजिटेक का भी 5.1 आता है जो कि बेस के लिए बहुत तगड़ा है, बट वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। सो ये वाला जो सिस्टम है ये 10,500 रुपीज का है। इस हिसाब से जो बेस क्वालिटी ना इसकी वो बहुत सुपर है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे को अभी तक सबसे तगड़ा इसका बेस लगा है इस बजट में, क्योंकि इतना पावरफुल बेस हमें और सिस्टम में नहीं मिलता है। सो 6000X के साथ मैंने इसीलिए इसे कंपेयर में रखा है क्योंकि आपको पता है 6000X भी बहुत तगड़ा सिस्टम है एंड जो उसमें भी हमें बेस क्वालिटी मिलती है वो बहुत तगड़ी मिलती है। सो अब मार्केट में कंपटीशन आ गया है एंड जेब्रोनिक स्टर्नेडो 6000X को कड़ी टक्कर देने वाला है। अगर आप लोगों को एक स्टाइलिश लुकिंग वाला सिस्टम भी चाहिए तो तभी भी आपके लिए ये बेस्ट रहेगा एंड अगर आपको इस मॉडल को परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आप गुप्ता रेडियो से इसे परचेस कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर और एड्रेस मेंशन कर दूंगा क्योंकि वहां पे आपको ये ओनली 10,500 रुपीज का मिल रहा है, जबकि अगर आप इसका MRP देखें तो 30,000 समथिंग है। सो उस हिसाब से आपको काफी बेस्ट डील पे वहां पे ये मिलेगा। तो दोस्तों देखिए यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक से एक प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। सो वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये है हमारा जेब्रोनिक स्टर्नेडो 4BTRUCF का बॉक्स एंड देख लीजिए बॉक्स पर हमें सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में मेंशन करा हुआ मिल जाता है, साथ में जो पूरा सिस्टम का डिजाइन है वो भी बना हुआ हमें मिल जाता है। चलिए स्पेसिफिकेशन तो हम आपको बाद में बताएंगे, सबसे पहले हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। सो बॉक्स हमारा ओपन हो गया है तो देख लीजिए, सबसे पहले हमें RCA टू RCA केबल मिल जाती है बॉक्स पर एंड हमें RCA टू 3.5mm केबल भी मिल जाती है, हमें FM केबल भी मिल जाती है बॉक्स पर एंड हमें यूजर मैनुअल भी मिल जाती है। प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूजर मैनुअल पर मिल जाएगी। देख लीजिए हमें 4 स्टैंड भी मिल जाते हैं अपने सैटेलाइट स्पीकर्स के लिए। जैसा कि आपको पता है इस पर हमें 4 स्पीकर मिलते हैं तो 4 स्टैंड भी हमें मिल जाते हैं। दोस्तों देख लीजिए, हमें रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है बॉक्स पर एंड रिमोट कंट्रोल की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया हमें लग रही है, साथ में हम इसे पूरा ऑपरेट भी कर सकते हैं थ्रू रिमोट कंट्रोल। सो ये चीज़ भी हमें काफ़ी बढ़िया लगी कि यार इसमें हमें रिमोट कंट्रोल पे देख लीजिए सारे फंक्शंस बटन मिल जाते हैं, सो आप इसे आराम से पूरा ऑपरेट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स देख लीजिए, हमने सैटेलाइट स्पीकर को अनरैप कर दिया है एंड जो डिज़ाइन है बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत प्रीमियम भी ये लग रहा है। दोस्तों इस पर हमें 3 इंच का स्पीकर लगा हुआ मिल जाता है एंड 1.5 इंच का ट्विटर लगा हुआ मिलता है एंड दोस्तों ये है इसका साइड लुक। आपको पता है जैसे कि बॉक्स पर हमें स्टैंड मिले हुए थे
सो स्टैंड हमारे सैटेलाइट स्पीकर पे ही कनेक्ट होंगे एंड सैटेलाइट स्पीकर्स पर ही हमें LED लाइट भी मिल जाती है जिससे ये और अट्रैक्टिव लगता है। बाकी के 3 स्पीकर भी सेम हमें इसी की तरह मिल जाते हैं, उनका डिज़ाइन सेम है एंड दोस्तों सारे सैटेलाइट स्पीकर हमें 10 वॉट्स RMS के मिलते हैं। सो हर एक चीज़ आप डिटेल में देख लीजिए, नीचे से ही हमारा स्टैंड कनेक्ट होगा। दोस्तों बाकी सैटेलाइट स्पीकर हम आपको बाद में अनरैप करके दिखाएंगे एंड देख लीजिए दोस्तों इस पर हमें 2 वायर्स मिल जाती हैं। एक वायर तो आपको पता है हमारी मेन यूनिट पे कनेक्ट होगी एंड सेकंड वायर हमें लाइट के लिए मिल जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था हमें सैटेलाइट स्पीकर्स पे भी LED लाइट मिल जाती है, सो हम अपने मेन यूनिट से ही सैटेलाइट स्पीकर्स की लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आपको सबवूफर को पूरे डिटेल में दिखाते हैं। तो देख लीजिए जो सबवूफर का डिज़ाइन है वो भी बहुत अट्रैक्टिव हमें मिल जाता है एंड हमें सारे फीचर्स इस पर मिलते हैं। तो देख लीजिए टॉप पर हमें जेब्रोनिक की ब्रांडिंग मिल जाती है, उसके जस्ट नीचे हमें डिस्प्ले मिल जाता है एंड डिस्प्ले के जस्ट नीचे हमें बटन्स मिल जाते हैं, प्ले पॉज प्रीवियस के बटन एंड इनपुट का बटन मिल जाता है एंड हमें सिस्टम का मॉडल नेम भी लिखा हुआ मिल जाता है 1084 एंड उसके जस्ट नीचे देख लीजिए हमें वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है, वो भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मतलब डिज़ाइन जो दे रखा है उसका काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है एंड उसके जस्ट नीचे हमें देख लीजिए USB पोर्ट एंड SD कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है एंड हमें 2 माइक पोर्ट भी मिल जाते हैं। आप वायर्ड वाले माइक को कनेक्ट करके भी मज़ा ले सकते हैं कैरियोके का, तो ये चीज़ हमें काफ़ी बढ़िया लगी एंड दोस्तों इस पर हमें फ्रंट पे ही सबवूफर मिल जाता है। यह है 8 इंच का एंड यह है 80 वॉट्स RMS का, जो कि सबसे तगड़ी चीज़ है इस सिस्टम की। एंड देख लीजिए अब हम आपको इसका साइड लुक दिखा रहे हैं। तो देख लीजिए इस पर हमें केवल होल मिल जाता है जहां से एयर पास होगी, बट इस पर हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। दोस्तों अब मैं आपको इसका बैक साइड दिखा रहा हूं, तो आप हर एक चीज को डिटेल पे देख लीजिएगा। देख लीजिए सबसे पहले हमें FM एंटीना पोर्ट मिल जाता है, उसके जस्ट नीचे हमें ऑक्स इनपुट पोर्ट मिल जाते हैं एंड देख लीजिए यहाँ पर हमें आउटपुट पोर्ट मिल जाते हैं। हमारे सारे सैटेलाइट स्पीकर यहाँ पे कनेक्ट होंगे एंड दोस्तों देख लीजिए हमें LED DC 5 वॉट आउटपुट पोर्ट भी मिल जाते हैं, यानी कि जो भी हमें सैटेलाइट स्पीकर में LED लाइट मिल जाती है जैसा कि आपको मैंने बताया था एंड उस पर हमें अलग से वायर भी मिला था, सो वो सारी वायर हमारी यहाँ पे कनेक्ट होगी एंड हम अपने सबवूफर से ही सैटेलाइट स्पीकर्स की लाइट्स को कंट्रोल कर पाएंगे एंड हमें पावर ऑन ऑफ का स्विच भी मिल जाता है। दोस्तों हमने पावर ऑन कर दिया है, अब आप इसका पूरा डिज़ाइन देखिए कितना ऑसम लग रहा है एंड जो LED लाइट्स हैं वो कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। आप एक बार पूरा देखिए डिज़ाइन को, फिर हम आपको इसका साउंड डेमो देते हैं। देख लीजिए दोस्तों हमने अपना फ़ोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर दिया है। आप सबको भी अभी तक साउंड टेस्ट का ही इंतज़ार हो रहा होगा एंड इस पर आप प्लीज़ बेस क्वालिटी को डिटेल में सुनिएगा एंड अपने हेडफोन्स का यूज़ करिएगा, तभी आपको एग्जैक्ट साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा एंड रेडी रहेगा जल्दी इसका डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो आएगा।
सो दोस्तों मजा आ गया आपको साउंड सुन के। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इसमें, जो अभी हमने लास्ट ट्रैक चलाया था तेरी प्यारी प्यारी दो आंखियाँ, उसमें जो बीट्स हैं वो बहुत पावरफुल है एंड बहुत पावरफुल सिस्टम्स भी उसको अच्छे से नहीं ले पाते हैं फुल वॉल्यूम पे। आपने अगर उसे डिटेल में नहीं सुना है तो एक बार आप वीडियो को थोड़ा सा पैक करिए एंड सुनिए उसको डिटेल में, तब आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि हाँ जो उसका बेस है, मैं जो बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि इसका बहुत तगड़ा बेस है, सो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। एंड देख लीजिए आप 60 की वॉल्यूम में पूरी मैक्स खोल रखी है बट एक चूरी आवाज़ फट नहीं रही है। सो ये चीज़ ने हमें पूरी तरीके से हिला दिया है, क्योंकि यार हमने इतने सिस्टम्स में ये सॉन्ग टेस्ट करा है एंड मैक्सिमम सिस्टम्स में आवाज़ बेस फुल वॉल्यूम पे फट जाता है। तो ये चीज़ मैं आपसे बोल रहा था कि यार इसका जो बेस है वो बहुत पावरफुल है, मतलब 10,000 की रेंज में इससे तगड़ा सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। बाकी हम डिटेल में साउंड टेस्ट के लिए एक अलग वीडियो रखेंगे, उसमें हम अच्छे से बात करेंगे पूरे साउंड के बारे में, सो उस वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून रहिएगा। अब मैं फटाफट से आपको इसके सारे स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। दोस्तों देख लीजिए, हमें इस पे ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, ऑक्स की भी कनेक्टिविटी हमें इस पे मिल जाती है, साथ में हमें USB की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है, हम अपनी पेन ड्राइव को प्लग इन करके म्यूज़िक का मजा ले सकते हैं, एंड हमें FM रेडियो भी इस पे मिल जाता है। एंड देख लीजिए, इस पर हमें रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है, हम अपने सिस्टम को पूरा रिमोट कंट्रोल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। एंड दोस्तों देख लीजिए, हमें इस पे डिस्प्ले भी मिल जाती है, जो भी फंक्शन हम ऑपरेट करेंगे हमें वो डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है, इस पर हमें 2 माइक पोर्ट मिल जाते हैं, सो हमें कैरियोके भी इस पे मिल जाता है, अगर आप सिंगिंग करने के शौकीन हैं तो आपके लिए तभी भी ये बेस्ट रहेगा। 2 वाइड वाले माइक भी इस पे कनेक्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको इस सिस्टम के टोटल पावर आउटपुट के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों इस पर हमें 12,000 वॉट्स का PMPO मिल जाता है, यानी कि 120 वॉट्स RMS का इसका साउंड आउटपुट है। एंड जो इसका सबवूफर है वो बहुत बड़ी चीज़ है, 80 वॉट्स RMS का इसका हमें सबवूफर मिलता है एंड 10 वॉट्स RMS के इसके हमें सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं। सो जो टोटल आउटपुट है पूरे सिस्टम की वो 120 वॉट्स RMS की है। दोस्तों अगर मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं, आप इसे आंख बंद करके परचेस कर लीजिएगा अगर आप बेस लवर हैं तो। आपको भी बताया, मैं अनबॉक्सिंग वीडियो में अपना फाइनल वर्डिक्ट नहीं देता हूं, मैं साउंड टेस्ट वीडियो में देता हूं, बट इस सिस्टम ने हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रूफ करके दिखा दिया कि यार जो इसका साउंड आउटपुट है वो नेक्स्ट लेवल है। सो आशा करता हूं यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कराया तो जल्दी से हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।